आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केले की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब्जी की रेसिपी। एक बार मेरे तरीके से इस केले की सब्जी को बना लोगे ना तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे आज के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो केले को काटने के बाद ना काले पड़ जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन, इसमें डाल देंगे एक गिलास जितना पानी। तो अभी इसमें डालेंगे साबुत मसाले, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक चम्मच जितना धनिया, वो डाल देंगे। अभी डाल देंगे इसमें सरसों, तो आप काली सरसों या पीला सरसों आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। उसी के साथ इसमें डाल देंगे एक चम्मच जितना साबुत जीरा। और अभी इसमें कुछ कड़े मसाले डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची और 4-5 जो काली मिर्च होता है वो, तो इनको डाल देंगे। और अभी डाल देंगे 6-7 सूखी मिर्च। और इन सभी को डालने के बाद अभी गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो अभी देख सकते हैं पानी में बढ़िया सा उबाल आना शुरू हो चुका है। तो इस समय गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मसाले को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो अभी देख सकते हैं मसाला जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अभी इस मसाले को रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्राइंडर जार, इसमें सभी मसाले को डाल देंगे पहले। और मसाले को डालने के बाद अभी इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज की प्याज को काट के। उसी के साथ इसमें डाल देंगे 10-12 लहसुन की कलियाँ। और उसी के साथ इसमें डाल देंगे 3-4 अदरक की टुकड़े। और डालने के बाद ग्राइंडर जार की ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे बढ़िया सा ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है, तो एक फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार है। तो अभी इस मसाले को साइड पर रख देंगे और अभी केले की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है छोटे साइज की 8 केले। अगर आपके पास बड़े साइज की केले हो ना तो आप 4 केले लीजिए। अभी दोनों साइड से कट लगा लेंगे, उसके बाद इस तरह से कट कर लेंगे, उसके बाद चाकू से इस तरह से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से कट लगाने से केले की जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाता है। तो देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक केले की छिलके को निकाल लिया है। तो इस तरह करके दूसरे केले की छिलके को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कट लगा लेंगे और बहुत ही आसानी से केले की जो छिलके है वो निकल जाता है। तो इस तरह करके ना सभी केले की छिलके को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी केले की छिलके को निकाल लिया है। तो अभी क्या करेंगे, सभी केले को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने सभी केले को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अभी इस तरह से एक फोक लेंगे और दोनों साइड से इस तरह से छेद लगा लेंगे। तो इस तरह से केले के अंदर तक मसाले अच्छे से जाएगा और केले खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देख सकते हैं मैंने तीनों केले के अंदर अच्छे से छेद लगा ली है। अभी चाकू की मदद से इस तरह से आधा कर लेंगे केले को, और आधा करने के बाद इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से 2 टुकड़ों में केले को कट कर लेंगे। तो इस तरह करके सभी केले को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने सभी केले को इस तरह से टुकड़ों में कट कर ली है। अभी जो मसाले पेस्ट बना के रखा था ना वो 2 चम्मच डाल देंगे केले के ऊपर। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। अभी डाल देंगे थोड़ा सा मसाले, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। उसी के साथ इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इन सभी को डालने के बाद अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने केले को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अभी इसको रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कढ़ाई, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें सभी केले को डाल देंगे एक एक करके, और डालने के बाद इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे एक साइड से। देख सकते हैं एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इनको पलट देंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं मैंने एक साइड को पलट दिया है और दूसरे साइड को भी फ्राई होने के लिए रख देंगे 1 मिनट के लिए। तो अभी देख सकते हैं दूसरा साइड भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो एक एक करके सभी केले को निकाल लेंगे एक प्लेट पे, और बाकी जो केला बचा है ना इनको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे।
तो देख सकते हैं मैंने सभी केले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो आप इस केले को ना स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी तो फिलहाल हम इस केले का सब्जी बनाएंगे, तो इसको रख देंगे साइड पे। तो कढ़ाई पे अभी तेल थोड़ा कम है, तो इसमें डाल देंगे फिर से 2 बड़ा चम्मच तेल और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और 1 चम्मच जितना इसमें डाल देंगे मेथी दाना, और मेथी दाना को थोड़ा चटकने देंगे। जैसे ही मेथी दाना थोड़ा चटक जाए इसमें डाल देंगे सभी पेस्ट किया हुआ मसाले को, और डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले का जो पानी है ना वो पूरी तरह से सूख जाए। मसाले का जो पानी है वो सूख चुका है, अभी इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, उसी के साथ इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, और इन दोनों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ मसाले को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हैं 1 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, और अभी इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ के टमाटर को पेस्ट बना लिया था वो डाल दिया है। अगर आप लोग टमाटर का पेस्ट नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें दही भी डाल सकते हो, और डाल देंगे साथ ही साथ स्वाद के अनुसार नमक, और अच्छी तरह से इन सभी को मिला लेंगे और अभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो भी पूरा सूख जाए और हमारा मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से भून जाए। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट तक अच्छे से मसाले को भून लिया है। तो देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अभी इसमें डाल देंगे पानी। तो ग्राइंडर जार में जो मसाला बचा था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वही पानी डाल दिया है, और अभी इस पानी को भी सुखाएंगे। तो ढक्कन से ढक कर रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है, अभी ढक्कन को हटाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो पूरी तरह से भुन चुका है। तो जितना आप मसाले को भुनोगे ना उतना ही जो सब्जी है टेस्टी बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे 2 ग्लास इतना डाल दिया है, और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो फ्राई किया हुआ केले को रखा था ना वो डाल देंगे, और केले को डालने के बाद ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद ढक्कन से ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए गैस को हाई फ्लेम पे रख के। तो देख सकते हैं अभी 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे। तो अभी हमारा जो केले की सब्जी है वो लगभग हो चुका है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला ही डाल दिया है। तो अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया थोड़ा सा डाल लेना तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार केले की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप इस केले की सब्जी को चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।